पिछले 1.5 सालों से हमारा देश और ये पूरी दुनिया किस विषम परिस्थिति में गुजर रही है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। जहां कई लोगों ने अपनों को खोया है, बड़े बड़े उद्योग ठप पड़ चुके हैं और नौबत तो यहां तक आ चुकी है कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज ने भी अपने उन कर्मचारियों की छटनी शुरू कर दी या फिर छटनी कर दिया है जिन्होंने अपने खून पसीने से उस कंपनी को खड़ा किया था। लेकिन वहीं एक ऐसी भी कंपनी है जिसने पैसे और पावर को दरकिनार करते हुए इंसानियत को पहले चुना है। वो लोगों के हित को पहले ध्यान देती है, राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखती है और इसका जीता जागता उदाहरण तब मिला जब अन्य कंपनियां अपने कर्मचारियों की छटनी कर रही थी, उनके जीवन यापन का साधन को समाप्त कर रही थी। इस कंपनी ने अपने कर्मचारियों को अपने साथ बनाए तो रखा ही, साथ ही कोरोना काल में गुजरे हुए जितने भी कर्मचारी थे उनको जीवन भर की तनख्वाह भी देने का वादा किया। और यही नहीं, इस कंपनी ने महामारी काल में सरकार को 1500 करोड़ का सहायता भी प्रदान किया था। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं टाटा ग्रुप्स की, जिसने महानता की कई मिसालें हमारे देश के सामने रखी हैं और उनके भूतपूर्व अध्यक्ष और चेयरमैन माननीय श्री रतन टाटा ने तो एक ऐसा उदाहरण देश के सामने रखा है जिस कारण से वो हजारों लाखों लोगों के चहेते हो चुके हैं और उनके आदर्श भी हैं। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं टाटा ग्रुप्स के कारनामे और साथ ही जानेंगे रतन टाटा के लीडरशिप से जुड़े यानी नेतृत्व क्षमता से जुड़े कुछ गुण जो केवल व्यवसाय रोजगार के लिए ही नहीं हमारे सामान्य जिंदगी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं, जिससे कोई सामान्य सा इंसान कैसे महान इंसान बन जाता है। साथ ही जानेंगे रतन टाटा और टाटा ग्रुप्स के कुछ ऐसे उपलब्धियों के बारे में जो हमारे देश के लिए अनमोल हैं और कुछ ऐसे कीर्तिमान जो टाटा ग्रुप्स को दुनिया में एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करता है। तो वीडियो को देखें पूरा शुरू से अंत तक और बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं जरा सोचो ऐसा क्यों और मैं हूं आपका होस्ट संजीत कुमार गिरी। अगर चैनल पे आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन पे ऑल का बटन जरूर क्लिक करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के विषय पे। टाटा एंड ग्रुप्स का तो जन्म 1868 में ही हो चुका था, लेकिन जो ख्याति इन्होंने रतन टाटा के मौजूदगी में पाई वो वास्तव में अतुलनीय थी। इतने मजबूत शख्सियत का जन्म 28 दिसंबर 1937 सूरत में हुआ था। रतन नवल टाटा को व्यापार और उद्योग में इनके अतुलनीय योगदान के लिए पद्म विभूषण और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। टाटा सन्स के एमेरिटस के भूतपूर्व अध्यक्ष और चेयरमैन रतन टाटा को उनकी दूरदृष्टि, नेतृत्व क्षमता और नवाचार यानी इनोवेशन के लिए जाना जाता है। लेकिन रतन टाटा के सफलता के सूत्र और लीडरशिप के गुण को जानने से पहले चलिए सबसे पहले टाटा ग्रुप्स के कुछ ऐसी उपलब्धियों को जानते हैं जिसे सुनने के बाद आप सभी का सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। हुरुन रिपोर्ट और एडेलगी फाउंडेशन के द्वारा तैयार की गई एक सूची यानी कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ यानी कि दुनिया के सबसे बड़े 50 दानवीरों की सूची जो तैयार की गई है उसमें जमशेदजी टाटा का नाम सबसे ऊपर आता है। अर्थात जमशेदजी टाटा दुनिया के सबसे बड़े दानवीर बने हैं जिन्होंने लगभग 102 बिलियन डॉलर का दान किया है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि पिछले 100 वर्षों में सबसे ज़्यादा दान करने में जमशेदजी टाटा सबसे अव्वल हैं। उन्होंने बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, जॉर्ज सोरस जैसे दानवीरों को पछाड़ा है, साथ ही हम देशवासियों को गौरवान्वित भी किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टाटा 100 से अधिक कंपनियों का संचालन करती है जिसमें नमक से लेकर ऑटोमोबाइल्स तक शामिल हैं। इसी के तहत उनका एक ब्रांड ताज, जिसे कौन नहीं जानता, उसे विश्व की सबसे शक्तिशाली होटल ब्रांड चुना गया है। ब्रांड फाइनेंस जो कि ग्लोबल ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी फर्म है उसके द्वारा तैयार की गई एक लिस्ट के अनुसार ये ताज ब्रांड 2021 में दुनिया की सबसे बड़ी सबसे शक्तिशाली होटल ब्रांड है जो 2016 में 38वें पायदान पर थी। तो चलिए जानते हैं अब रतन टाटा के सफलता के सूत्र
और लीडरशिप के गुण। नंबर एक, जोखिम उठाएं, टेक रिस्क। रतन टाटा का दृढ़ विश्वास है कि आपको अपने जीवन में एप्पल, फेसबुक, गूगल आदि जैसे मौके लेने चाहिए। इन शीर्ष कंपनियों को एक बार एक छोटे से गैरेज से शुरुआत मिली थी। यदि ये कंपनियां जोखिम नहीं उठाती, रिस्क नहीं लेती, तो अपने विचार पर काम नहीं कर पाती और आज दुनिया के टॉप पर नहीं होती। तो अगर दुनिया में आपको अपनी पहचान बनानी है, अपने आप को एक सफल इंसान बनाना है, तो जोखिम जरूर उठाएं, लेकिन उसमें दूरदर्शिता होनी चाहिए। गुण नंबर दो, टीम वर्क और अपनी टीम को महत्व दें। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह जो 8 घंटा का शिफ्ट होता है, यह सबसे पहले टाटा ने प्रारंभ किया था और आगे चलकर फोर्ड वालों ने भी इस नियम का पालन किया। और यही नहीं, 1917 में टाटा के उन्नत सोच के कारण उनके कर्मचारियों को स्वास्थ्य चिकित्सा लाभ भी मिलने लगा और जिससे प्रेरित होकर दुनिया की अन्य कंपनियों ने भी ऐसा कार्य शुरू किया। वाह, आपने ये कहावत या मुहावरा जरूर सुना होगा कि अगर आपको पैसे कमाने हैं तो रिलायंस में निवेश करें, इन्वेस्ट करें, लेकिन अगर आपको काम करना है तो टाटा के साथ जुड़ें। अर्थात टाटा टीमवर्क पे और अपने लोगों के हित पे ज़्यादा ध्यान देती है और यही उसकी सफलता की कुंजी है। गुण नंबर तीन, क्वालिटी नंबर थ्री, विश्वास, मूल्य और प्रतिबद्धता। जहाँ एक ओर अन्य कंपनियां मुनाफे की दौड़ में अव्वल रहना चाहती हैं, वहीं टाटा वालों के लिए नैतिकता और विश्वास बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। और इसका जीता जागता उदाहरण आपको 2016 में देखने को मिला होगा कि जब रतन टाटा ने साइरस मिस्त्री को चेयरमैन के पद से हटा दिया था, यह पूरे कॉरपोरेट जगत में एक झटका था क्योंकि उनका रिकमेंडेशन भी रतन टाटा ने ही किया था। तो आखिर रतन टाटा ने उन्हें हटाया क्यों? इसके कई कारण थे, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार मुख्य कारण यह था कि साइरस मिस्त्री टाटा समूह के मूल्यों और प्रतिबद्धता के बजाय मुनाफे पे ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे थे। तो आपने देखा कि विश्वास, मूल्य और प्रतिबद्धता टाटा ग्रुप्स के लिए कितनी अहम बात है, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। क्वालिटी फोर, गुण नंबर चार, सफलता सबसे अच्छा बदला है। कहने का अर्थ यह है कि आपको किसी को अगर जवाब देना है तो आप सफल बन के दिखाएं, जिसका जीता जागता उदाहरण टाटा ग्रुप्स है। ये उदाहरण जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये कई बार हमने सुन रखा है, लेकिन फिर भी ये इतनी मोटिवेशनल है, इतनी प्रेरक है कि इसे जितनी बार सुनो उतना कम है। कि जब रतन टाटा ने पहली बार कार बनाई तो उसमें वो अच्छी तरह से सफल नहीं हो पाए थे, जिस कारण उनके सदस्य और कई विशेषज्ञों ने इस कार कंपनी को बेचने के लिए कहा। न चाहते हुए रतन टाटा ने बात मान ली और वो पहुंचे अमेरिका फोर्ड कंपनी के पास। लेकिन किसे पता था कि आज एक नया इतिहास रचने वाला है। रतन टाटा जब फोर्ड कंपनी के पास पहुंचे तो उन्होंने उनका मजाक उड़ाया और उन्होंने कहा कि जब कार बनाना नहीं जानते तो आपने ऐसा काम किया क्यों? हम आपकी कंपनी खरीद कर आप पर एहसान कर रहे हैं। बस फिर क्या था, रतन टाटा को ये बात लग गई और वे बिना कार कंपनी को बेचे ही भारत वापस आ गए। भारत पहुंचकर वो इंडिका कार और टाटा मोटर्स पर दिन रात रिसर्च और मेहनत करने लगे, जिसका नतीजा आप सभी के सामने है कि आज टाटा मोटर्स भारत की तीसरी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है और दुनिया के 140 देशों के सड़कों पर टाटा की गाड़ियाँ दौड़ती हैं। और कमाल की बात तो ये रही कि जब फोर्ड मोटर्स घाटे में चल रही थी और उसने अपने लैंड रोवर और जागुआर को बेचने का निश्चय लिया, तो टाटा ग्रुप ने उसे खरीदा, जिस पर अंततः बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा, आप इन दोनों कारों को खरीद कर मुझ पर उपकार कर रहे हैं। गुण नंबर पाँच, क्वालिटी नंबर फाइव, अपने सभी पत्ते एक साथ नहीं खोलें। श्री रतन टाटा विभिन्न कंपनियों में निवेश करने में भरोसा रखते हैं, इसलिए उनका निवेश हमेशा सुरक्षित रहता है कि अगर किसी कंपनी से थोड़ा कम मुनाफा हो रहा हो तो दूसरी कंपनी से अच्छा मुनाफा उन्हें मिल जाता है। उन्होंने बढ़ती चीनी कंपनी साउमी और ई कॉमर्स की दिग्गज कंपनी स्नैपडील के साथ साथ मोगलिक्स और हाल में ही पेटीएम में भी निवेश किया है। विभिन्न कंपनियों में निवेश यह सुनिश्चित करता है कि आपका निवेश किसी न किसी हद तक सुरक्षित है। गुण नंबर छः, क्वालिटी नंबर सिक्स, अपने फैसले, अपने निर्णय पर भरोसा रखें, विश्वास रखें। जब श्री रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी को अपनी कार बेचने से मना कर दिया तो कई लोगों ने उन पर शक किया, लेकिन उसके बाद नतीजा आपके सामने है। जब रतन टाटा ने टेटली टी को $450 मिलियन में खरीदा, हालांकि उन्होंने उस फैसले पर विश्वास किया और अन्य लोगों की शंकाओं को नज़रअंदाज किया, जिस कारण उन्होंने टाटा टी को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चाय कंपनी बना दिया। इसका अर्थ यह नहीं है कि रतन टाटा ने कभी गलती नहीं की, उन्होंने कई गलत फैसले भी किए, लेकिन उन्होंने अपने इस गलत फैसले से सीख लिया
उसको सुधारा, लेकिन अपने हर फैसले पे भरोसा जरूर किया। क्वालिटी नंबर 7, कभी भी सीखना बंद न करें, नेवर स्टॉप लर्निंग। बहुत कम लोगों को ये जानकारी होगी कि रतन टाटा को IBM कंपनी के द्वारा नौकरी की पेशकश हुई थी, लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया और टाटा स्टील्स में अन्य कर्मचारी की तरह एक सामान्य जिंदगी व्यतीत किया। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि करियर के प्रारंभिक लगभग 8 साल उन्होंने 2 या 3 कंपनी के शॉप फ्लोर पे प्रशिक्षण लेने यानी कि ट्रेनिंग लेते हुए बिताए थे। एक समय तो ऐसा आया जब उन्हें लगा कि उन्होंने अपना समय, जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बर्बाद कर दिया है, लेकिन बाद में जाके उन्होंने स्वीकार किया कि उनका वो समय उनके लिए स्वर्णिम था और सबसे बेहतर था, जिस कारण से आज वो इस मुकाम पे पहुंच पाए हैं। तो उनके अनुसार सुनना और सीखना सफलता की कुंजी है, हम सभी को इसका पालन जरूर करना चाहिए। बिल्कुल सही बात। और 8वां गुण, क्वालिटी नंबर 8, कुछ पाने से पहले देना सीखें। बात दरअसल ये है कि जो मुकाम और जो इज्जत मान प्रतिष्ठा इस टाटा ग्रुप ने कमाया है पूरी दुनिया में, और जो इज्जत भारतवासियों को इस ग्रुप के लिए है, शायद ही दुनिया में या फिर भारत में कोई ऐसी कंपनी होगी जिसके प्रति भारतवासियों का यह लगाव होगा। तो इसके पीछे क्या कारण है? जहां हम जानते हैं मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर आदमी और दुनिया के टॉप लिस्टेड रिचेस्ट पर्सन में गिनती किए जाते हैं, वहीं पे रतन टाटा जिनके ग्रुप की आमदनी रिलायंस से बहुत अधिक है, उनका नाम अमीरों की सूची में क्यों नहीं? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि टाटा ग्रुप्स अपने मुनाफे का, अपने आमदनी का 65% हिस्सा दान कर देती है। और जब रतन टाटा से इस बारे में बात किया गया तो उन्होंने कहा कि मुकेश अंबानी एक बिजनेसमैन है जबकि मैं एक उद्योगपति हूँ। तो चलिए अब जानते हैं रतन टाटा के जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। लेकिन उनके जीवन से जुड़े फैक्ट से पहले मैं बताना चाहूँगा एक बोनस फैक्ट। हाँ जरूर बेसर, आपको ये जानकर बेहद आश्चर्य होगा, हैरानी होगी कि देश के इतने बड़े घराने के फाउंडर चेयरमैन को छोड़कर किसी भी चेयरमैन का कोई वारिस नहीं था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। टाटा एंड सन्स के स्थापना करने वाले जमशेद जी नुसरवान जी के बड़े बेटे सर दोराबजी टाटा सन 1904 में अपने पिता के निधन के बाद कंपनी की कमान संभाली, लेकिन 1932 में वो भी परलोक सिधार गए। लेकिन उस समय कंपनी को संभालने वाला कोई नहीं था क्योंकि सर दोराबजी टाटा की कोई संतान नहीं थी। इसलिए एक बार कंपनी की कमान फिर से उनकी बहन के बड़े बेटे सर नावरोजी सकटवाला को दे दी गई। लेकिन सर नावरोजी सकटवाला की 1938 में अकस्मात मृत्यु हो जाने के बाद JRD टाटा को टाटा ग्रुप सौंपा गया। यहां आपको फिर से मैं बता दूं कि JRD टाटा जमशेद जी टाटा के चचेरे भाई के बेटे थे। उन्होंने भारत को पहली एयरलाइन सुविधा मुहैया कराई जो बाद में एयर इंडिया कहलाई। लेकिन अफसोस की बात तो ये रही कि JRD टाटा की भी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए 1991 में कंपनी की कमान रतन टाटा को सौंपी गई। यहाँ आपको बता दें कि रतन टाटा नवल टाटा के बेटे थे जिन्हें जमशेद जी ने गोद लिया था। उसके बाद तो तस्वीर आपके सामने है। लेकिन जो भी हो, बात तो हैरत वाली है कि बिना किसी वारिस के टाटा के जितने भी चेयरमैन या अध्यक्ष आए, उन्होंने टाटा को बहुत ही कमाल तरीके से संचालित किया और इसकी गरिमा को नहीं खोने दिया, साइरस मिस्त्री को छोड़कर। हाँ सही बात। तो चलिए चलते हैं रतन टाटा के जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लें। रतन टाटा के पिता एक दत्तक पुत्र थे और टाटा को उनकी दादी ने पाला था। दरअसल रतन टाटा के पिता नवल टाटा रतनजी टाटा और नवाजबाई टाटा के दत्तक पुत्र थे। पहले नवल टाटा जेन पेटिन पारसी अनाथालय में पले बढ़े थे। रतन टाटा की दादी नवाजबाई टाटा उनसे बहुत प्यार करती थी। रतन टाटा केवल 10 साल के जब थे तो 1940 में उनके माता पिता अलग हो गए और उसके बाद फिर उनकी परवरिश दादी के द्वारा ही की गई। 1991 में टाटा समूह के अध्यक्ष बने थे रतन टाटा, और लगातार 21 वर्षों तक अथक प्रयास के बाद उन्होंने टाटा को इस मुकाम पे पहुंचाया। यह सब उनके व्यवहारिक व्यावसायिक कौशल से संभव हो पाया। रतन टाटा ने टाटा मोटर्स के साथ लैंड रोवर जगुआर, टाटा टी के साथ टेटली और टाटा स्टील के साथ कोरत सहित अपनी कंपनी के लिए कुछ ऐतिहासिक विलय किए। इन सभी विलयों ने टाटा समूह के अभूतपूर्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप सभी को यह बात जानकर आश्चर्य होगा कि रतन टाटा एक कुशल पायलट हैं और रतन टाटा को उड़ाने भरने बहुत पसंद है। रतन टाटा 2007 में F-16 फाल्कन को उड़ाने वाले पहले भारतीय थे। दान का बात हो और टाटा ग्रुप्स के किसी व्यक्ति का नाम ना आए, ये तो हो नहीं सकता।
2010 में रतन टाटा ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के लिए एक कार्यकारी केंद्र का निर्माण करने के लिए $50 मिलियन की राशि को चैरिटी के रूप में दिया। उस हॉल का नाम भी टाटा हॉल ही रखा गया है। रतन टाटा के सक्षम नेतृत्व में टाटा समूह के राजस्व में 40 गुना से अधिक की वृद्धि हुई, मुनाफा 50 गुना से अधिक बढ़ गया। 1991 में केवल $5.7 बिलियन बनाने वाली कंपनी ने 2016 में लगभग $103 बिलियन कमाए थे। तो उम्मीद है रतन टाटा से जुड़े ये फैक्ट आपको अच्छे लगे होंगे। और चलिए वीडियो के अंत में जान लेते हैं रतन टाटा के कुछ महत्वपूर्ण और इंस्पिरेशनल कोट्स। आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजंस एंड देन मेक देम राइट। अर्थात मैं सही निर्णय नहीं लेता, मैं सही फैसले नहीं लेता, मैं फैसले लेता हूँ और उसे सही साबित करता हूँ। टेक द स्टोन्स पीपल थ्रो एट यू एंड यूज देम टू बिल्ड ए मॉन्यूमेंट। अर्थात जो लोग ताने रूपी संशय रूपी पत्थर तुम्हारे ऊपर फेंकते हैं, तुम उन पत्थरों को स्वीकार करो और उससे एक विशाल इमारत बनाओ। इफ यू वॉन्ट टू वॉक फास्ट, वॉक अलोन, बट इफ यू वॉन्ट टू वॉक फार, देन वॉक टूगेदर। कहने का अर्थ है कि अगर आपको तेज चलना है तो अकेले चलो, यानी अपना रास्ता खुद तय करो, लेकिन अगर तुम दूर तक सफर करना चाहते हो तो साथ चलो, यानी कि टीम वर्क पे ध्यान दो। वो इंसान जो दूसरों की नकल करता है वो सफल तो जरूर हो सकता है, लेकिन दुनिया में और अपने जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल सही बात। तो मेरे दोस्तों, नकल से काम ना करें, अकल से काम करें। और रतन टाटा जी का अगला विचार बहुत महत्वपूर्ण है। अप्स एंड डाउन्स इन द लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अस गोइंग बिकॉज ए स्ट्रेट लाइन इवन इन एन ECG मीन्स वी आर नॉट अलाइव। कहने का अर्थ यह है कि जीवन में उतार चढ़ाव बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा न हो तो जीवन का अर्थ समाप्त हो जाता है। जैसे अगर ECG मशीन में कोई लकीर में उतार चढ़ाव खत्म हो जाए तो इसका अर्थ है कि इंसान नहीं बचा। नन कैन डिस्ट्रॉय आयरन बट इट्स ओन रस्ट कैन, लाइकवाइज नन कैन डिस्ट्रॉय ए पर्सन बट हिज ओन माइंड सेट कैन। कहने का अर्थ यह है कि लोहा इतना शक्तिशाली होता है कि वो किसी के द्वारा समाप्त नहीं किया जाता, लेकिन उसके खुद के जंग के द्वारा वो समाप्त हो जाता है। तो अगर किसी इंसान का माइंड सेट या उसका एटीट्यूड विचारधारा बहुत ही परिपक्व और सुदृढ़ होगा तो वो कभी विनाश के रास्ते नहीं जाएगा। और इनका विचारों का संग्रह इतना लंबा है कि अगर मैं सुनाना शुरू करूं तो सुबह से शाम हो जाए। वैसे श्री रतन टाटा एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। फिर भी उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दिए गए जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर सच में अच्छी लगी है तो फिर देर किस बात की, एक लाइक जरूर बनता है। और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ और सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।